दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का, सभी फ्यूचर स्टूडेंट्स का। दोस्तों आज की हमारी वीडियो ये नीट या उससे जुड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो जेई मेंस का हो चाहे वो नीट का हो। मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा NTA और उससे जुड़े कुछ फैक्ट जो शायद आपको ना पता हो, साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार की एक ऐसी योजना जिसने हजारों बच्चों का कैरियर खराब कर दिया, उस पर ही हम बात करेंगे। तो ऐसे बच्चे जो स्टडी करना चाहते हैं वो इस वीडियो से स्किप ले लें, या अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम है तो इस वीडियो को एट लास्ट तक देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम कि आखिर NTA कौन है, क्यों बना और कौन था इसका डायरेक्टर, NTA को बनाने का केंद्र की मोदी सरकार की क्या योजना थी। देखिए 2019 में सर्वप्रथम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA जो है एस्टेब्लिश किया गया और इसका डायरेक्टर बनाया गया डॉक्टर विनीत जोशी को। आपको बता दें कि NTA कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर ध्यान रहे कि केंद्र की मोदी सरकार की अगर मैं आपको तो एक साजिश थी, क्योंकि अभी तक जितने एग्जाम होते हैं वो CBSE कराता था या अलग अलग मेडिकल कॉलेज एग्जाम को कंडक्ट कराते थे। अगर मैं बात करूँ JEE मेन्स की तो या JEE एडवांस की, तो ये जो है CBSE कराता था, इसके साथ ही साथ जो है जो अलग अलग IIT कॉलेजेस हैं वो एग्जाम कंडक्ट कराते थे और उस समय पेपर लीक होने की संभावना होती थी 0%। मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ, 2003 या 4 समथिंग में गोरखपुर में एक बार पेपर लीक हुआ था JEE एडवांस का, उसके बाद से लेकर आज तक गोरखपुर में कभी JEE का पेपर नहीं हुआ, उस पूरे सेंटर को ही ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। तो अब सोचिए कि कैसे स्ट्रिक्ट फैसिलिटी थी। हिस्ट्री में JEE मेंस या एडवांस के पेपर लीक होने की जो है घटनाएँ बहुत कम मिलती हैं, कहीं एक या दो पाई जाती हैं। वहीं पर 2019 में जब से NTA एस्टेब्लिश हुआ उसके बाद हर साल चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो चाहे वो JEE एग्ज़ाम्स हो, कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, पेपर लीक होता रहता है और NTA हर बार इसको सीधे से नकार देता है। NTA ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि पेपर जो है लीक हुआ है। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक साजिश थी सरकार की भी, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी CBSE जो अभी तक जो है AIPMD एग्ज़ाम करवाती थी, तो आपको पता है कि CBSE कोई एक बॉडी नहीं है, वो एक गवर्नमेंट संस्था है जहां पर देश के जो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग स्पेशलिस्ट लोग हैं और एक पैनल काम करता है। और जब एक व्यक्ति पेपर को मैनेज करता है लाइक विनीत जोशी, तो वो होता क्या है कि उसी के सुपरविजन में काम होता है, लेकिन जब पैनल वर्क करता है तो आप चीटिंग की संभावनाओं को सीधे से नकार सकते हैं। मैं आपको बता दूँ 2014 में जब मैंने एग्ज़ाम को दिया था फर्स्ट टाइम, मैंने शायद अप्रैल का पेपर था, अप्रैल के महीने में हम लोग एडमिट कार्ड से सब कुछ फिल कर चुके थे, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने वाले थे। उस समय बनारस में पेपर लीक हुआ था और लखनऊ का सेंटर ब्लॉक कर दिया गया था, लखनऊ में भी पेपर कैंसिल कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस संस्था को CBSE को एक फेयर एग्ज़ाम कराना था। अभी क्या है कि पेपर लीक होता है, बच्चे डिमांड करते हैं, लेकिन पेपर ना तो कैंसिल होता है और ना दोबारा कंडक्ट कराया जाता है। तो सोचिए कि अब क्या मंशा है। यहाँ पर कोई मैं अफवाह नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको रिटर्न सबूत दे दूंगा। 2020 में आपने देखा होगा न्यूज आर्टिकल्स ने बहुत बड़ा बड़ा हेडिंग दिया था कि पेपर लीक हुआ है, बहुत बच्चे पकड़े गए थे। सेम एज 2020 में चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो जो है राजस्थान हो, हर एक न्यूज़ चैनल्स ने, इवन CBCID ने भी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है कि पेपर लीक हुआ है, बच्चे पकड़े जा रहे हैं। और अभी भी NTA बोल रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं साजिश है हजारों बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए। साजिश कैसे है इस बात समझिएगा। एक सीट बिकती है 20 से 30 लाख की। अब अगर 100 सीटें भेज दी जाएं तो करोड़ों का यहां घपला होता है। कहीं ना कहीं भाई एक दो बच्चे नहीं हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या JEE एग्जामिनेशन में लोग लाखों रुपये देना चाहते हैं कि उनका बच्चा, उनका बेटा बेटी वो किसी गवर्नमेंट बॉडी में चला जाए। तो कहीं ना कहीं एक साजिश है सरकार की भी, संस्थाओं की भी। एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट हो तो किसी व्यक्ति विशेष के अंडर में ना होकर अगर एक बॉडी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए तो शायद बेहतर करा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी बातों से सहमत होंगे। वीडियो को शेयर करें, हो सकता है कि मेरी वीडियो कुछ देर के बाद लॉकडाउन कर दी जाए या इसको जो है डिलीट करा दे यूट्यूब से, क्योंकि मैंने एक ऐसी बॉडी पर डिस्कस किया है जो शायद अभी तक किसी ने नहीं किया है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी दोषी है, बिकॉज केंद्र के जो हमारे PM हैं नरेंद्र मोदी काफ़ी एक्टिव माने जाते हैं, लेकिन चाहे वो बच्चे लगभग एक हफ्ते से परेशान हैं, पेपर लीक हुआ 4-5 दिन होने वाले हैं, अभी तक उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया, बच्चों की किसी भी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं कर सुन नहीं रहे हैं। जबकि पेपर लीक होने का मैटर पूरे न्यूज़ चैनल्स में एक्टिव हो चुका है, एक नहीं दसियों जगह खबरें आ रही पेपर लीक होने की, सॉल्वर गैंग्स पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी भी चाहे वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे हमारे होम मिनिस्टर हो, चाहे PM हो, सबके सब शांत हैं। तो कहीं ना कहीं एक मिली भगत है, साजिश है सभी की बच्चों को कहते ना कि कंपटीशन से बाहर करने के लिए।
तो आई थिंक आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। और अब जो है जो डिमांड बच्चे कर रहे हैं एनटीए को बैन करने की, उसको भी ट्विटर या अदर प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड किया जाए। अगर बैन ना किया जाए एनटीए को, तो कम से कम उनको ये चीज़ बता दी जाए कि एग्ज़ाम जो हो वो फेयर हो, जो बच्चे एक्चुअल में हकदार हैं उन्हीं को, चाहे वो जेई की सीट हो, आईआईटी सीट हो, चाहे वो एमबीबीएस सीट हो, वो उनको मिले। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।